स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 4 सेम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डूलोंग एंड पेटिट्स लॉ एंड डेरिवेशन ऑफ डूलोंग एंड पेटिट्स लॉ फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आपके फेवरेट चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी के ऊपर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स स्टार्ट होने जा रही है। सारी बुक्स हमने कवर कर ली हैं, एक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ही रह रही थी जो अभी तक कवर नहीं होती, उसका एक भी टॉपिक आपके इस फेवरेट चैनल पर नहीं आया था। तो आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले, सबसे पहले यूनिट 4। देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट 4 में आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला है डूलोंग एंड पेटिट्स लॉ एंड इट्स डेरिवेशन फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा बनता है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, और तीसरा बनता है डिबाई मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट। इन तीनों क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चन जो हैं 100% 8 मार्क्स की कैटेगरी में पूछे जाने वाले हैं। तो हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डूलोंग एंड पेटिट्स लॉ एंड इट्स डेरिवेशन फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स। डूलोंग एंड पेटिट लॉ को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, आखिरकार स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड से हमारा क्या मतलब होता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस से हमारा मतलब उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी से होता है जो हमें 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को देनी पड़ती है, ताकि उसका टेम्परेचर जो है हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकें। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास 1 ग्राम कॉपर है और उसका टेम्परेचर अभी है 27 डिग्री सेल्सियस, तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि उस 1 ग्राम ऑफ कॉपर का टेम्परेचर 27 से 28 डिग्री सेल्सियस हो सके, मीन्स उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ सके, उस हीट एनर्जी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस। बट यहाँ पर सब्सटेंस जो है आपको उसका अमाउंट फिक्स रखना है, उसका अमाउंट आपको हमेशा 1 ग्राम ही लेना होगा। आज के टॉपिक की शुरुआत हम इसी की डेफिनेशन से करेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस की डेफिनेशन से, और फिर हम देखेंगे कि आखिरकार डूलोंग एंड पेटिट लॉ की डेफिनेशन क्या है, और फिर उसको हम ड्राइव करेंगे फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप स्टार्टिंग की थ्योरी में इसमें क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे डूलोंग एंड पेटिट्स लॉ, और इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस की डेफिनेशन। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस से मतलब हमारा उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी से है जो हमें 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को देनी पड़ेगी ताकि उसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ सके। इट इज डिनोटेड बाय सी, और स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस को हम सी से डिनोट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सॉलिड्स के केस में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की। जब आप किसी 1 ग्राम सॉलिड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं कीपिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, तो उस हीट एनर्जी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। देखिए स्टूडेंट, जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके वॉल्यूम में जो है नेग्लिजिबल चेंज आता है, क्योंकि सॉलिड के अंदर एटम जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, आइए वो देखते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे इन केस ऑफ सॉलिड्स वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सीवी, वेयर। यहाँ पर सॉलिड, जब भी हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, क्योंकि सॉलिड्स के केस में हीट देने पर वॉल्यूम में उसके कोई फर्क नहीं आता, बहुत ही नेग्लिजिबल माइनर सा चेंज आता है जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास सी का, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है कितनी हीट आपने दी है उसको हम डिनोट करेंगे डीक्यू से, और कितना टेम्परेचर सब्सटेंस का बढ़ा है उसको हम डीटी से डिनोट करेंगे, मींस अमाउंट ऑफ हीट गिवन डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, या फिर राइज इन टेम्परेचर आप बोल सकते हैं इसको। तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड या सब्सटेंस, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और सी होता है डीक्यू बाय डीटी। तो अगर हम स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हमें सी के पैर में भी वी लगाना पड़ेगा और डीक्यू बाय डीटी के पैर में भी वी लगाना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा हुआ है, जब आप किसी सॉलिड को कुछ हीट देते हो, डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हो, तो वो हीट जो है वो 2 पार्ट्स में यूटिलाइज होती है,
पहला पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट जो है मान लीजिए आपने किसी सॉलिड को डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, तो ये डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगी, उस सॉलिड के एटम्स की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, उस सॉलिड के एटम्स को वाइब्रेट करवाएगी, जिसको हम लैटिस वाइब्रेशंस बोलते हैं। सॉलिड के अंदर एटम रेगुलरली अरेंज होते हैं, जब आप उसको हीट देते हो तो एटम्स जो हैं अपनी मेन पोजिशन के अबाउट वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो उससे क्या होगा, उससे सॉलिड की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी यू से, क्योंकि यू जो होता है वो इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा डी यू, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन भी करेगी जो हमने हीट सप्लाई की है, तो कुछ पार्ट जो है हीट का, सप्लाई हीट का, गिवन हीट का, वर्क डन की फॉर्म में भी अपीयर होगा, और वो वर्क डन होता है डी डब्ल्यू। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो स्टूडेंट्स एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन वॉल्यूम डीवी, तो हम ए इनटू डीएक्स को लिख देंगे डीवी। तो डीडब्ल्यू को हम लिख सकते हैं, डीडब्ल्यू को हम लिख सकते हैं डी यू प्लस डी यू, तो ये वाला है, और डीडब्ल्यू की जगह हम लिख सकते हैं पी डी वी। तो स्टूडेंट्स डी क्यू जो है डी यू प्लस पी डी वी की फॉर्म में लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम यहाँ पर डी क्यू की जगह लिख देते हैं डी यू प्लस पी डी वी। बट सॉलिड के केस में जो चेंज आता है वॉल्यूम में वो नेग्लिजिबल होता है, मीन्स सॉलिड के लिए जो डी वी की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो अगर आप यहाँ पर डी वी की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ डी यू बाई डी टी बचेगा, और यहाँ पर आपको वी लगाना है। वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम स्पेसिफिकली एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, सी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉलिड्स के लिए, डी यू बाई डी टी वी। तो स्टूडेंट्स ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए बनाई, मैंने समझाने लिखी थी यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, और ये भी मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ये भी आपको समझाने के लिए बताया था। तो dQ को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं dU plus pdV, और सॉलिड्स के लिए dV की वैल्यू जीरो होती है, तो आपके पास बचेगा dU by dT, और नीचे आपको V लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड्स के लिए जो चेंज इन वॉल्यूम होता है, चेंज इन वॉल्यूम dV, वो जीरो होता है, नेग्लिजिबल चेंज आता है सॉलिड के वॉल्यूम में जब आप उसको हीट करते हैं। सो CV विल बी इक्वल टू dU by dT V, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सॉलिड के केस में ट्रू होता है ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे जब हम डेरिवेशन करेंगे, सबसे लास्ट में यूज करेंगे जब हम स्पेसिफिक हीट निकालेंगे सॉलिड्स के लिए। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, आगे क्या लिखेंगे आप इसमें, व्हेनेवर सॉलिड इज हीटेड इट्स इंटरनल एनर्जी यू इंक्रीजेस एंड इट टेक प्लेस इन टू वेज। अभी हमने देखा कि सॉलिड के केस में जो हम हीट देते हैं तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी को डी यू अमाउंट से बढ़ा देता है, तो ये जो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ये दो प्रकार से बढ़ेगी। पहला पार्ट जो इंटरनल एनर्जी का होगा वो किसमें यूटिलाइज होगा, एटम्स को वाइब्रेट करने में यूटिलाइज हो जाएगा अबाउट देयर मेन पोजिशन, और एटम जो है वो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट तो डी यू का वहां पर यूटिलाइज हो जाएगा। दूसरा पार्ट जो इंटरनल एनर्जी का यूटिलाइज होगा, अगर मान लीजिए आपका सॉलिड मेटल है या फिर सेमी कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, तो आप जब उनको हीट देंगे जब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो कुछ एटम जो है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से हायर लेवल में जा सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स में जा सकते हैं। तो आप इसमें ये लाइन्स लिखेंगे, फर्स्ट द एनर्जी इज यूज टू वाइब्रेट द लैटिस एटम्स अबाउट देयर मेन पोजिशन, डी यू का कुछ अमाउंट जो है लैटिस एटम्स को वाइब्रेट करने में यूज हो जाएगा अबाउट देयर मेन पोजिशन। सेकेंडली द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स एंड सेमी कंडक्टर्स मे बी एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स। अगर आपके पास सॉलिड मेटल्स एंड सेमी कंडक्टर के फॉर्म में है तो जब उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी बाय गिविंग अमाउंट ऑफ सम अमाउंट ऑफ हीट, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकते हैं। बट रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं, तो हम सेकेंड फैक्टर को नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। तो हम मानते हैं, ये मान के चलते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो मेनली लैटिस आइटम्स को वाइब्रेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इतने पॉइंट्स, इतना लिखने के बाद, इतनी थ्योरी लिखने के बाद, अब इस टॉपिक में और क्या लिख के आएंगे, और डेफिनेशन क्या है डुलोंग पेटिट्स लॉ की, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि अगर हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आता है, और जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आता है वो टू वेज में आ सकता है,
या तो जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है या तो वो लैटिस वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा और एटम जो है क्रिस्टल लैटिस के वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे अपनी मेन पोजीशन के अबाउट, या फिर जो अगर हमारे पास मेटल या सेमीकंडक्टर के फॉर्म में है सॉलिड तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे फ्रॉम ग्राउंड लेवल। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन हमने सी वी इक्वल टू डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लिखा था, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा था वो टू वेज में चेंज आ रहा था, या तो लैटिस वाइब्रेशंस के फॉर्म में आएगा डीयू लैटिस प्लस डीयू इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स का ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में चले जाना और सॉलिड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाना। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम डीयू की जगह ये पुट कर सकते हैं, डीयू लैटिस प्लस डीयू इलेक्ट्रॉनिक पुट कर सकते हैं, तो डीटी दोनों के नीचे, तो डीटी दोनों के नीचे लगा दिया और इनको अलग ब्रैकेट में लिख दिया, लैटिस वाला अलग अलग ब्रैकेट में और इलेक्ट्रॉनिक वाला अलग ब्रैकेट में, और यहां पर वी लगा दिया। तो स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ लैटिस वाइब्रेशन और इसको हम बोलते हैं लैटिस हीट फॉर इलेक्ट्रॉनिक। तो स्टूडेंट्स जो रूम टेम्परेचर पर हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो ग्राउंड स्टेट से हायर लेवल में चला जाए, हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, तो हम सी इलेक्ट्रॉनिक को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो सी वी जो है अप्रोक्सीमेटली सी लैटिस के बराबर होता है एट रूम टेम्परेचर। तो आप लिखेंगे आगे एट रूम टेम्परेचर सी इलेक्ट्रॉनिक इज नेग्लिजिबल एंड सी वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी लैटिस, मीन्स जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स में जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वो लैटिस वाइब्रेशन के कारण आता है, जो कि स्पेसिफिक हीट फॉर लैटिस वाइब्रेशन के कारण जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन आता है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स के अंदर, और सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो नेग्लिजिबल होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो स्टूडेंट्स डूलोंग पैटेंट लॉ में क्या कहता था, जब उन्होंने स्टडी किया वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा एग्जाम में, तो जब उन्होंने स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड स्टडी किया विद टेम्परेचर, तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स के लिए रूम टेम्परेचर से आगे, रूम टेम्परेचर पर या उससे ज्यादा टेम्परेचर पर जो सी वी होता है वो सब इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से, और सभी सॉलिड्स के लिए जो सी वी की वैल्यू होती है वो 3R के बराबर होती है। तो उन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया, एक्सपेरिमेंटल स्टडी का ग्राफ, और ये बात कब तक ट्रू थी, जब तक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ जाता, ये है मेल्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट जो है मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड्स की, मेल्टिंग पॉइंट के बाद जो सी वी की वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ बढ़नी शुरू हो जाती है, और ये पॉइंट जो है ये रूम टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, रूम टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, और रूम टेम्परेचर से नीचे ये लॉ जो है वो फेल हो जाता है, क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग रूम टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर तक सभी सॉलिड्स की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 3R होती है, वो कांस्टेंट होती है, बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर नीचे हो जाता है तो सी वी जो है मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स के लिए वो 0 हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है ये डूलोंग पैटेंट लॉ हमें नहीं बता पाया, ये इसकी लिमिटेशन भी है, बट फॉर टेम्परेचर ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर एंड बिलो मेल्टिंग पॉइंट मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स हैव स्पेसिफिक हीट सी वी इक्वल टू 3R, और इसको हम प्रूव भी करेंगे कि रूम टेम्परेचर के ऊपर मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स के लिए जो सी वी की वैल्यू होती है वो 3R भी होती है, इसकी हम डेरिवेशन भी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स ये ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़ेगा एग्जाम में और साथ में इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी डूलोंग पैटेंट लॉ की। आइए देखते हैं डूलोंग पैटेंट लॉ की डेफिनेशन क्या है। We often use term heat capacity instead of specific heat. Students, एक बात का ध्यान रखेंगे, हम स्पेसिफिक हीट की जगह हीट कैपेसिटी वर्ड यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट जो होती है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। दोनों में फर्क क्या है, स्पेसिफिक हीट में अमाउंट जो है सब्सटेंस को फिक्स रखते हैं 1 ग्राम रखते हैं, जबकि हीट कैपेसिटी में हम सब्सटेंस के अमाउंट को फिक्स नहीं रखते। एक्चुअली स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी है बट किसके लिए, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए है। तो हम जनरली जो फिजिक्स के अंदर आपकी स्पेसिफिक हीट की जगह हम हीट कैपेसिटी वर्ड यूज करते हैं, तो जहां जहां हीट कैपेसिटी लिखा होगा वो आगे डेरिवेशन में या डेफिनेशन में, तो आप उसको स्पेसिफिक हीट ही समझना। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। एट रूम टेम्परेचर हीट कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो ये हमें लॉ कहता है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो हमारी स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती, और आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है, और सी वी की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है, एंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3R। और जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर वो 3R के बराबर होती है, R गैस कांस्टेंट। जब आप यहाँ पर गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5.96 मिलेगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 6 मान सकते हैं, और इसका जो यूनिट होगा 3R का वही होगा जो गैस कांस्टेंट का होता है, और गैस कांस्टेंट का ऐसा यूनिट होता है कैलोरी पर डिग्री पर मोल अप टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स।
ये बात कब तक रहेगी, कब तक कांस्टेंट रहेगी सीवी की वैल्यू, जब तक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ जाता। और जब मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है किसी भी सॉलिड का, तो उसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सीवी की वैल्यू जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। दिस इज नोन एज गोलोंग एंड पेटिट लॉ, और यहाँ पर आर जो है वो गैस कॉन्स्टेंट है। तो एक बार दोबारा मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो हमारी स्पेसिफिक हीट होती है हर सॉलिड के लिए, हर सॉलिड के लिए वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, और स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है रूम टेम्परेचर पर, वो 3R के बराबर होती है, आर गैस कॉन्स्टेंट है। और ये बात कब तक ट्रू है, अप टू मेल्टिंग पॉइंट तक ट्रू है, और मेल्टिंग पॉइंट के बाद टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो सीवी भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हम इसकी नेक्स्ट सेक्शन में डेरिवेशन करेंगे डूलोंग पेटिट लॉ की, और हम प्रूफ करेंगे कि जो सीवी की वैल्यू निकल के आएगी रूम टेम्परेचर पर वो इतनी निकल के आएगी 6 कैलोरी पर डिग्री पर मोल ही निकल के आएगी। तो स्टूडेंट्स डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ डूलोंग एंड पेटिट लॉ फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स। देखिए स्टूडेंट्स डूलोंग एंड पेटिट लॉ हमें क्या कहता है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर सभी सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी और वो 3R के बराबर होगी। इसको हम क्लासिकल फिजिक्स की हेल्प से कैसे प्रूव कर सकते हैं यही हम इस डेरिवेशन में देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कि सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो पीरियोडिक वे में अरेंज होते हैं, और जब आप सॉलिड्स को हीट करेंगे मींस सॉलिड्स को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसका अफेक्ट क्या होगा, उसका अफेक्ट ये होगा कि एटम जो है अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारा स्प्रिंग है, उसको हमने एक हुक से लटका रखा है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स जब हम इसके ऊपर मास अप्लाई करेंगे तो उसको मास अप्लाई करने के बाद इसको छोड़ देंगे, खींच के फोर्स अप्लाई करके या वेट अप्लाई करके इसको छोड़ देंगे तो ये अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। उसी प्रकार से थर्मल एनर्जी लेने पर एटम जो है अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स हमें ये कहती है कि एटम जो है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकते हैं। हमारे पास 3 डायरेक्शंस होती हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन, तो वो किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली जो है वो वाइब्रेट कर सकते हैं। मींस यहां पर जो एटम है वो एज अ 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे, और जो ये एटम्स होंगे मींस ये जो 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होंगे ये दूसरे एटम्स की वाइब्रेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे। और एक बात हमें यहाँ पर एज्यूम करके चलनी पड़ेगी कि सभी एटम जो हैं मींस सभी 3 डायमेंशनल ऑसिलेटर जो हैं वो सेम फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे, बट हर एक एटम की जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी क्योंकि उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट हो सकता है। कोई एटम ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर सकता है और कोई एटम कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर सकता है, इसलिए हर एटम की जो है वो एनर्जी डिफरेंट होगी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अब आगे थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप हेडिंग बनाएंगे डेरिवेशन ऑफ डूलोंग एंड पेटिट लॉ फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स, इसमें आप क्या लिखेंगे, इन अ सॉलिड एटम्स आर हेल्प टुगेदर इन अ पीरियोडिक वे। सॉलिड्स के अंदर एटम्स का जो अरेंजमेंट रहता है वो रेगुलर रहता है, एटम जो है वो पीरियोडिकली अरेंज्ड होते हैं। द इफेक्ट ऑफ द थर्मल एनर्जी इज टू सेट दीज एटम्स इनटू वाइब्रेशंस अबाउट देयर मीन पोजीशन एज हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। जब आप सॉलिड को थर्मल एनर्जी देंगे तो वो एटम्स उस थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वाइब्रेशनल मोशन एग्जीक्यूट करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन, जैसे कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर करता है, जैसे कि स्प्रिंग करता है अपने मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है। ठीक उसी प्रकार से एटम्स भी हैं थर्मल एनर्जी लेने के बाद अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और हम एटम्स को बोलेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह बिहेव करेंगे वो। क्लासिकल थ्योरी अज्यूम दैट ईच एटम इज अ 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हिच वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर एटम्स इन द सॉलिड। क्लासिकल फिजिक्स हमें ये कहती है कि एटम जो है वो किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट करने के लिए फ्री है, वो एक्स डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर सकता है, वो वाई डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर सकता है, वो जेड डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर सकता है। तो मींस एटम जो है वो 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव ना करके 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा और उन 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की वाइब्रेशन जो है वो दूसरे एटम्स की वाइब्रेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगी, वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। द एटम्स वाइब्रेट विद सेम फ्रिक्वेंसी बट देयर एनर्जीज आर डिफरेंट एज दे वाइब्रेट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। उन एटम्स की सब एटम्स की जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होगी, जिनकी वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी जिसको हम ओमेगा नॉट से डिनोट करेंगे, वो सबके लिए सेम रहेगी।
रहेगी, बट उनकी जो एनर्जीज होंगी हर एक एटम की वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि एटम जो है वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमें एक एटम की मीन्स एक थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी निकालनी है, जो कि सम होती है उसकी कनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का। तो आप लाइन लिखेंगे, द एनर्जी ऑफ थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय, जो एनर्जी होगी थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर किसको बोल रहे हैं, एटम को ही बोल रहे हैं। तो एक एटम की जो एनर्जी होगी जिसको हम यू से डिनोट करेंगे, दैट विल बी द सम ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, कनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब कनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप ऊपर और नीचे एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास बनेगा कनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का होल स्क्वायर बाय एम, और एम वी क्या होता है, एम वी होता है लीनियर मोमेंटम पी। तो एम वी की जगह हम पी लिख देंगे तो आपके पास कनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी वो आ जाएगी लीनियर मोमेंटम पी की टर्म्स में, वो होगी पी स्क्वायर बाय टू एम। तो कनेटिक एनर्जी की को हम लीनियर मोमेंटम की टर्म्स में लिखेंगे, ना कि हाफ एम वी स्क्वायर की टर्म में लिखेंगे। तो कनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे पी स्क्वायर बाय टू एम। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली हमने, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स पर कैसे निकाली, ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। के यहाँ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, एक्स उसकी डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजिशन से, बट हमें पता है कि ओमेगा नॉट क्या होता है, ओमेगा नॉट होता है स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम मास है, और ओमेगा नॉट उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, पहले ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम आ जाएगा, और यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई एम। तो अगर आप के की वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे हाफ के एक्स स्क्वायर में, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर और साथ में आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह आपने ये लिखना है हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जैसे कि आपको मैंने यहाँ बता दिया। ये आपको एग्जाम में नहीं करके दिखाना, सीधा आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी का जगह हम लिखेंगे हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये कैसे आई, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, आपको सीधा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। तो टोटल एनर्जी आ गई हमारे पास किसी भी एटम की या फिर थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की, वो आ गई पी स्क्वायर बाय टू एम प्लस हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे की डेरिवेशन हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, डेरिवेशन में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। पिछले स्टेप में हमने एक थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लिया था, जो कि था यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू एम प्लस हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये एक थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी थी। तो हम क्या करेंगे, हमने सारे एटम्स की टोटल एनर्जी निकालनी है। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक एटम की एवरेज टोटल एनर्जी निकालेंगे, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो हम एवरेज एनर्जी निकाल के एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की, उसको हम नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी सभी एटम्स की। फिर हम उसको पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, ताकि हमें सी वी की वैल्यू मिल सके, क्योंकि सी वी होता है डी यू बाई डी टी। तो यही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आप डेरिवेशन में आगे क्या लिख के आएंगे। तो अब आप फाइंड करेंगे एवरेज एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो आप लाइन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ द एवरेज एनर्जी ऑफ ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी होगी उसको हम यू बार से डिनोट करेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन यू एक्सपोनेंशियल माइनस यू बाय के टी इंटू डी यू आएगा, क्योंकि हम यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको यू लगाना पड़ेगा, ना कि ई, क्योंकि हमने एनर्जी को यू से डिनोट किया है। डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट स्टार्ट माइनस यू बाई के टी इंटू डी यू। तो स्टूडेंट्स, ये होगी हमारे पास एवरेज एनर्जी ऑफ ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर, और ये फॉर्मूला हमने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से लिखा है, ये आपको एज इट इज लर्न करना है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली यू की वैल्यू पुट करनी है, जो हमने सेकेंड इक्वेशन में लिखी थी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। तो अब लाइन लिखेंगे, यूजिंग टू इन थ्री वी गेट यू बार इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। यू की वैल्यू क्या थी, इस u की वैल्यू क्या थी, पिछले सेक्शन में भी हमने लिखा था, u की वैल्यू थी पी स्क्वायर बाय टू एम प्लस हाफ एम
ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दी, या आपने यू की वैल्यू पुट कर दी, फिर आप लिखेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट स्टार्ट माइनस यू, तो पहले आप माइनस का साइन लगाएंगे, फिर यू की वैल्यू पुट करेंगे, यू की वैल्यू क्या थी, पी स्क्वायर बाय टू एम प्लस हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे के टी है तो यहाँ पर के टी लिख देंगे, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर यू की वैल्यू पुट करेंगे माइनस साइन पे तो माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट यू की वैल्यू है पी स्क्वायर बाय टू एम प्लस हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे के टी है तो के टी लगा देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन है वो पी और एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि एम भी कॉन्स्टेंट है ओमेगा नॉट भी कॉन्स्टेंट है, तो हमें डी यू को हमें दो पार्ट्स में लिखना पड़ेगा, एक तो हमें लिखना पड़ेगा डी पी और लिखना पड़ेगा डी एक्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि यू हमारा पी और एक्स का फंक्शन था, तो डी यू हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा डी पी इंटू डी एक्स का, क्योंकि u जो है वो p और x पे डिपेंड कर रहा है, तो du को हम ऐसे लिखेंगे dp dx, तो इस du की जगह भी आप dp dx लिखेंगे, और इस du की जगह भी आप dp into dx लिखेंगे, और क्योंकि यहाँ पर दो दो वेरिएबल्स हैं p और x, तो आप यहाँ पर एक इंटीग्रेशन की बजाय दो इंटीग्रेशन लगाएंगे, एक होगा p के लिए और एक होगा x के लिए, ऐसे ही आप नीचे लिखेंगे एक होगा p के लिए और एक होगा x के लिए। तो स्टूडेंट्स आप एक काम और कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, मैं आपको यही इसी स्टेप में करके दे रहा हूँ, ये जो माइनस का साइन है आप दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे ये ब्रैकेट हटा देंगे, प्लस माइनस माइनस कर देंगे यहाँ पर, और इस kt को इन दोनों के नीचे डिवाइड में लिख देंगे, तो इसको मैं मॉडिफाई करके क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ kt को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसके नीचे पी स्क्वायर बाय टू एम के टी आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसके साथ भी 1 अपॉन 2 के टी लगा सकता हूँ मैं ऐसे, तो ये नेक्स्ट स्टेप में करेंगे आपका, मैं यही कर रहा हूँ स्टेप में, इस माइनस को आप अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगी और यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, और इस के टी को आप इन दोनों के नीचे लिख देंगे तो ये लाइन हट जाएगी यहाँ से, तो पी स्क्वायर बाय टू एम के टी आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 2 के टी। तो स्टूडेंट्स ये आप काम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, तो स्टूडेंट्स इससे अगला स्टेप क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यू बार की वैल्यू निकाल चुके थे, और यू बार की वैल्यू क्या थी, इंटीग्रेशन पी के ऊपर और इंटीग्रेशन एक्स का पी स्क्वायर बाय टू एम प्लस हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर बाय टू एम के टी, माइनस जो हाफ टू के टी आगे लिखा हुआ था वो वन हटा के मैंने यहाँ पर सीधा इसके अकाउंट में टू के टी लिख दिया, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू के टी डी पी डी एक्स डबल इंटीग्रेशन पी एक्स एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट स्टार्ट माइनस पी स्क्वायर बाय टू एम के टी माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू के टी डी पी डी एक्स। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप सी मान लीजिए, यहाँ पर प्लस का साइन भी है बीच में, तो स्टूडेंट्स ए प्लस बी इंटू सी हो अगर, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी ऐसे लिख सकते हैं ना। तो स्टूडेंट्स अब हम इस टर्म को, इस पूरी टर्म को हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, फिर हम इस पूरी टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा यू बार डबल इंटीग्रेशन पी एक्स, ये ए है, पहले ए को हमने सी के साथ मल्टीप्लाई करना है पी स्क्वायर बाय टू एम, और सी के आपका सी आपकी पूरी एक्सपोनेंशियल टर्म है यहाँ से लेके इस ब्रैकेट तक, माइनस पी स्क्वायर बाय टू एम के टी माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू के टी, ये आपका ए इंटू सी हो गया, और साथ में आपको डी पी डी एक्स भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है बी को सी के साथ, तो आप प्लस लिखेंगे और डबल इंटीग्रेशन दोबारा से लगाएंगे पी एक्स, बी हमारा ये है हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और साथ में आपके एक्सपोनेंशियल पर लिखता हूँ, तो आपको छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा जैसे आपकी शीट का साइज होगा उस हिसाब से। और साथ में आपको डी पी और डी एक्स भी लगाना पड़ेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर ये यहाँ पर ऐसे ही डिवाइड में आपका सेम रहेगा, डिवाइड में कोई आपका मल्टीप्लाई नहीं है। डिवाइड में आप एक काम कर सकते हैं, इस टर्म को, इस पूरे डिवाइड को आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं, तो मैं वही काम कर देता हूँ, अलग अलग करके लिख देता हूँ। ऐसे इसके नीचे आप लिख सकते हैं
तो डिनोमिनेटर था दोनों का कॉमन था, तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस एक्सपोनेंशियल टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गया, इस एक्सपोनेंशियल टर्म को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गया, और इस डिनोमिनेटर को इसके नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये जो एक्सपोनेंशियल लिखा है इसका मतलब हमारे पास यही है, ई है, ई की पावर में है ये सारी ब्रैकेट जो है आपकी लिखी हुई है। अगर ई की पावर में माइनस ए माइनस बी लिखा हो तो उसको मैं ऐसे लिखते हैं, ई की पावर माइनस ए मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस बी, इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम एक्सपोनेंशियल माइनस ए माइनस बी को लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस ए मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ये काम आप यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, ऊपर भी करेंगे न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। यू बार पी एक्स पी स्क्वायर बाय टू एम, इसको आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस ए माइनस ए, ये है आपका मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल माइनस बी आपका पूरा ये टर्म है, मैं इसको आंसर कर देता हूं, आपको समझ आ गया होगा कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है हमने एक्सपोनेंशियल की। प्लस डबल इंटीग्रेशन पी एक्स, ये टर्म ऐसी रहेगी पूरी की पूरी, हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको भी आप दो पार्ट्स में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस ए अलग लिखेंगे, मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल सेकेंड टर्म लिखेंगे, माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड में टू के टी, और साथ में आपका डी पी डी एक्स तो है ही है, ऐसे आप डिवाइड में इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस ए अलग मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस बी अलग, और यहां पर dpdx, और यहां भी आप ऐसा करेंगे सेम, मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल दिस टर्म और साथ में dpdx। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, आपके कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये टर्म कैंसिल हो रही है, और साथ में आपकी ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का स्टेप हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स इस स्टेप से अगला स्टेप क्या होगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले स्टेप में एक छोटी सी गलती हो गई थी, हमने इसको इससे काट दिया था जबकि ऐसा नहीं होगा। कैसे पता चलेगा आपको किसको किससे काटना है? देखिए स्टूडेंट यहाँ पी स्क्वायर लिखा हुआ था, तो आपको पी वाली टर्म नहीं काटनी, सिर्फ एक्स वाली टर्म काटनी थी फर्स्ट टर्म के अंदर, और जबकि इस पूरी टर्म के अंदर यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है तो आपको एक्स वाली टर्म रखनी है, पी वाली टर्म काटनी है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो आप इसको नहीं काटेंगे, तो लाइनें यहाँ से मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, आपको कौन सी टर्म काटनी है, आपको पी वाली टर्म काटनी है यहाँ पर, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पी लिखा हुआ था तो आपको पी वाली टर्म रखनी थी, एक्सपोनेंशियल में जो पी था वो टर्म रखनी थी, और एक्स वाली टर्म काटनी थी जबकि यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है आगे, तो आपको एक्स वाली टर्म रखनी है और पी वाली टर्म काटनी है, ये चीज आप करेक्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इससे आगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टर्म कैंसिल हो चुकी है तो आपका एक इंटीग्रेशन भी कट जाएगा, और आपकी पी वाली टर्म बची है तो आपका पी वाला इंटीग्रेशन रहेगा, और साथ में आपकी पी स्क्वायर बाय टू एम है, साथ में एक्सपोनेंशियल है, साथ में माइनस पी स्क्वायर बाय टू एम के टी है, और साथ में आपका डी पी बचेगा यहाँ पर, क्योंकि एक्स वाली टर्म कट गई है तो एक्स वाला डेरिवेटिव भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा आपके पास, नीचे बचेगा एक आपका इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर बाय टू एम के टी बचेगा, और साथ में आपका बचेगा डी पी प्लस
यहाँ पर क्या बचेगा आपका इंटीग्रेशन बचेगा, कौन सा बचेगा एक्स वाला बचेगा, इस चीज का ध्यान रखना आपने, हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साथ में आपका बचा एक्सपोनेंशियल माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या यहाँ पर टू के टी। अब की बार आपका डीपी से डीपी वाला डीपी से डीपी कटेगा और डीएक्स रहेगा आपका यहाँ पर, क्योंकि एक्स वाली टर्म प्रेजेंट है यहाँ पर। इसी तरह से डिवाइड में आपका रहेगा एक्स वाली टर्म एक्सपोनेंशियल माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू के टी और एक्स डीएक्स आपको यहाँ पर रहेगा। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा पी है वो लीनियर मोमेंटम है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का, एक्स उसकी डिस्प्लेसमेंट है। पी और एक्स दोनों की वैल्यूज, P एंड X दोनों की वैल्यू जो हो सकती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो चाहे P वाला इंटीग्रेशन हो चाहे X वाला इंटीग्रेशन हो, हर इंटीग्रेशन जो लिमिट होगी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि P और X दोनों की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेंगी। तो मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, तो उससे अगला स्टेप क्या होगा, उससे अगला स्टेप में आप लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक कर चुके थे, तो स्टूडेंट्स इसको मैं स्टार इक्वेशन ले लेता हूँ, उसके बाद आपको कुछ लेट करना पड़ेगा। लेट क्या करना है आपको, आपको ये जो लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर बाय टू एम के टी, इसको आपको अल्फा स्क्वायर लेना है। लेट पी स्क्वायर बाय टू एम के टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, माइनस नहीं लेना, सिर्फ यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है पी स्क्वायर बाय टू एम के टी इसको अल्फा स्क्वायर लेना है। इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन दे देना है रोमन लेटर्स में, और के टी को आपने इधर ले जाना है, तो पी स्क्वायर बाय टू एम की वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फा स्क्वायर के टी, ये सेकंड इक्वेशन होगी रोमन लेटर्स में। इसी प्रकार से जो आपकी सेकंड टर्म है उसकी जो एक्सपोनेंशियल के ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू के टी, इसको आपको बीटा स्क्वायर पुट करना है। एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू के टी को बीटा स्क्वायर पुट करना है, के टी को आपको उधर ले जाना है, तो आपके पास एम बाय टू ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, के टी जब उधर चल जाएगा वो वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू बीटा स्क्वायर के टी, ये रोमन लेटर्स में फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें इन चारों इक्वेशन को स्टार इक्वेशन में यूज करना है, यूजिंग वन टू थ्री एंड फोर इन स्टार वी गेट यू बार इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स पी स्क्वायर बाय टू एम की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर बाय टू एम की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर के टी, तो के टी में बाहर ले लेता हूँ, और पी स्क्वायर बाय टू एम की वैल्यू अल्फा स्क्वायर के टी थी, अल्फा स्क्वायर मैंने अंदर रख दिया, के टी मैंने बाहर ले लिया। एक्सपोनेंशियल इसकी वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर बाय टू एम के टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग पी स्क्वायर बाय टू एम के टी की वैल्यू अल्फा स्क्वायर है, माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस अल्फा स्क्वायर लिख देंगे। अब क्योंकि हमने अल्फा में सब कुछ चेंज कर दिया तो यहाँ पर डीपी नहीं आएगा, अब यहाँ पर डी अल्फा आएगा, इस चीज का भी आप ध्यान रखें कि ये डेरिवेटिव भी चेंज होगा। इसी प्रकार से नीचे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल, इसको हमने क्या पुट किया है पी स्क्वायर बाय टू एम के टी को अल्फा स्क्वायर पुट किया, तो माइनस अल्फा स्क्वायर डी अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर डीपी की जगह यहाँ पर डी अल्फा लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब आपका जो जो अंदर वाला इंटीग्रेंड है वो अल्फा के टर्म्स में कन्वर्ट हो चुका है। प्लस उसी तरह से हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू है फोर्थ इक्वेशन अकॉर्डिंग बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर के टी, बीटा स्क्वायर मैंने अंदर रख दिया, के टी मैंने बाहर ले लिया। एक्सपोनेंशियल लिखा, उसके बाद इसको हमने क्या पुट किया है सर्कल टर्म को, इस सर्कल टर्म को हमने बीटा स्क्वायर पुट किया, तो यहाँ पर बीटा स्क्वायर आ गया, साथ में यहाँ पर डी एक्स की जगह आएगा डी बीटा, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो चुका है। नीचे आप लाइन लगाएंगे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे, और साथ में इसको इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे बीटा स्क्वायर पुट करेंगे, तो अब यहाँ पर बीटा स्क्वायर लिख देंगे, और डी एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे डी बीटा लिखेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है वो बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसको अल्फा और बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है, इससे अगला स्टेप क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हमारे रिजल्ट जो है वो सिंप्लीफाइड हो चुके हो जाए, और जो हमारे इंटीग्रल है ये वाले अब उनको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम यूज सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल्स, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यू बार की वैल्यू निकाल चुके थे, जो कि निकल गई थी के टी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर डी अल्फा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर डी अल्फा प्लस के टी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बीटा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा स्क्वायर डी बीटा डिवाइड बाय माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा स्क्वायर डी बीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स यूज करने पड़ेंगे, जब आप कुछ इस प्रकार का इंटीग्रल सॉल्व करते हैं जहाँ पर लिमिट जो दी होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर होता है एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर डी अल्फा होता है, अल्फा की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, जब आप ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यूवी रूल लगाकर, तो जो आंसर निकल के आता है वो हमेशा रूट पाई बाय टू निकल के आता है। एंड और जब आप इस प्रकार के इंटीग्रल को सॉल्व करते हो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस
ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर डी अल्फा, तो आपके पास रूट पाई निकल के आता है हमेशा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का मतलब ई की पावर होता है। तो स्टूडेंट्स जब आप ये वाले इंटीग्रल्स के स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पर यूज करेंगे तो आपके पास यू बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो यू बार इज इक्वल टू, ये आपके स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं ये वाले, ये जो है आपके ये दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, इनकी वैल्यूज आपको याद रखनी है कि इसकी वैल्यू रूट पाई बाय टू होती है और इसकी वैल्यू रूट पाई होती है। तो जब आप इन स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को यहाँ पर यूज करेंगे तो आपके पास यू बार की वैल्यू क्या आएगी, के टी, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, इस इंटीग्रल की स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो होती है रूट पाई बाय टू, और इस इंटीग्रल की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है रूट पाई प्लस KT, ये वाला। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर अल्फा अल्फा था, चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो कुछ भी हो, यहाँ पर अल्फा की जगह कुछ भी हो, चाहे बीटा हो चाहे गामा हो, हमेशा इसकी वैल्यू रूट पाई बाय टू निकल के आती है। तो इस इंटीग्रल की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी वो भी वही होगी जो इस इंटीग्रल की थी, तो यहाँ पर भी आप रूट पाई बाय टू लिख देंगे इस इंटीग्रल की जगह, इस इंटीग्रल की जगह भी आप रूट पाई बाय टू लिख देंगे, डिवाइड बाय यहाँ पर है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा स्क्वायर डी बीटा, तो इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है रूट पाई, अल्फा की जगह यहाँ पर बीटा है, बाकी सब कुछ सेम है, तो यहाँ पर रूट पाई आ जाएगा, तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, तो यू बार आ जाएगा आपके पास के टी बाय टू, जब आप उनको ऐड करेंगे तो के टी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी आ चुकी है के टी। अगर आपके पास एन एटम्स हैं और वो एन एटम जो है तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में फ्रीली वाइब्रेट कर सकते हैं, तो उस केस में जो एवरेज एनर्जी निकल जाएगी पूरे सिस्टम की जिसके अंदर एन एटम्स हैं, तो उसकी जो एवरेज एनर्जी होगी पूरे सिस्टम की वो क्या होगी, इसको हमें एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और तीन डायरेक्शंस पॉसिबल हैं वाइब्रेशंस के लिए, तो आपको उसको थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके आपको पूरे सिस्टम की एवरेज एनर्जी मिलेगी। तो आप लाइन लिखेंगे, इफ देर आर एन एटम्स विच कैन वाइब्रेट इन थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड एक्सिस, देन तो उस केस में जो आपकी टोटल एनर्जी होगी पूरे सिस्टम की वो क्या होगी, जब आप इस एवरेज एनर्जी को एक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की एवरेज एनर्जी को एन एटम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और तीनों डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी, वो आपका यू होगा ना कि यू बार। यू बार तो आप निकाल चुके हैं थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, अब हमें पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालनी है, वो आप कैसे निकालेंगे, एवरेज एनर्जी ऑफ वन हार्मोनिक ऑसिलेटर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई कितने डायरेक्शन अवेलेबल है, मीन्स कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है एक एटम के पास, एक एटम जो है वो तीन डायरेक्शन में मूव कर सकता है इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर सकता है, तो यहाँ आपको थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ को आपको एन और के को अलग ब्रैकेट में लिखना है, एन और के को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर, यहाँ पे आपको यू बार नहीं यू लिखना होगा, एन के की जगह आपको लिखना पड़ेगा आर, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है हमारे पास गैस कांस्टेंट के बराबर, तो यू की वैल्यू आ चुकी है 3RT, ये है हमारे पास पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी। तो हमारे पास सीवी क्या था, फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग डीयू बाय डीटी था, तो यहाँ पर यू की वैल्यू पुट कर दो, यू की वैल्यू कितनी आई है 3RT आई है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे इस टर्म का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो टी से टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में मान हो जाएगा, 3R कांस्टेंट है तो 3R आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो सीवी की वैल्यू आ गई 3R। जब आप यहाँ पर गैस कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पास आंसर जो निकल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली वो इतना निकल जाएगा 6 कैलोरी पर डिग्री पर मोल। तो यही है स्टूडेंट्स आपका डुलोंग पेटिट लॉ, जो हमें ये कहता है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर सभी सॉलिड्स की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हमेशा 6 कैलोरी पर डिग्री पर मोल होती है, मीन 3R के बराबर होती है। यहाँ पर हमें कोई स्पेसिफिक सॉलिड नहीं लिया था हमने, यहाँ पे ये नहीं कहा था कि हम आयरन ले रहे हैं कॉपर ले रहे हैं, हर सॉलिड के लिए जो वैल्यू निकल जाएगी स्पेसिफिक हीट की वो 3R निकल जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपको एंडिंग लाइन्स में क्या लिखना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स फाइनली आ चुके हम लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक में, जिसमें हम देखेंगे कि एंडिंग लाइन्स में आपको क्या लिखना है, जो कि इसकी लिमिटेशंस भी होंगी इस डुलोंग पेटिट लॉ की। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेशन में हमने प्रूव किया था कि सीवी हमेशा 3R होता है हर सॉलिड के लिए, रूम टेम्परेचर पर सीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और वो 3R के बराबर रहेगी, पर ग्राफ तो हमें कुछ और ही कह रहा है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये कहते हैं कि लो टेम्परेचर के ऊपर स्पेसिफिक हीट जो है वो जीरो हो जाती है, जीरो को अप्रोच करती है लो टेम्परेचर के ऊपर, मीन्स डुलोंग पेटिट लॉ जो है वो सिर्फ हायर टेम्परेचर पर वैलिड होता है, लोअर टेम्परेचर पर वो फेल हो जाता है, वो हमें ये नहीं बता पाता कि लोअर टेम्परेचर पर जो हमारा स्पेसिफिक हीट सीवी की वैल्यूज है वो जीरो को क्यों अप्रोच करती है। इस डिस्क्रिपेंसी को दूर किया था इसके बाद जो थ्योरी आई थी आइंस्टाइन की, और उसके बाद जो थ्योरी आई थी आइंस्टाइन के बाद डिबाय की, उसने इस डिस्क्रिपेंसी को दूर किया था। तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डुलोंग एंड पेटिट लॉ, तो आप उसमें ये
ग्राफ बना के उसमें ये वाली लाइन जो है वो लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज कॉल्ड डूलॉन्ग पेटिट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल सॉलिड शुड बी कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 3R। इसी लॉ को हम बोलते हैं डूलॉन्ग पेटिट लॉ, जो हमें ये कहता है कि हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट कह लो एक ही बात है सभी सॉलिड्स की, वो कॉन्स्टेंट होती है, वो 3R के बराबर होती है। बट दिस लॉ फेल्स एट लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पर फेल हो जाती है जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन व्हाई हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स अप्रोचेस टू जीरो एट लो टेम्परेचर। एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सॉलिड्स की वो जीरो का अप्रोच करती है लो टेम्परेचर पर, दिस डिस्क्रिपेंसी वाज रिजॉल्व्ड बाय आइंस्टाइन बाय क्वांटम थ्योरी एंड वाज फर्दर बाय डीबाई। क्योंकि ये डूलॉन्ग पेटिट लॉ की जो डेरिवेशन थी वो क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर बेस्ड थी, आइंस्टाइन ने इसे इसकी कमी को दूर किया क्वांटम कंसेप्ट लाके क्वांटम मैकेनिक्स यूज करके, और उसमें आइंस्टाइन में जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी उसको बाद में डीबाई मॉडल में दूर की गई। तो स्टूडेंट्स ये है आपका डीबाई डूलॉन्ग पेटिट लॉ, इसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यहां तक करना पड़ेगा तब जाके आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। मिलेंगे बाकी बचे हुए टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।